अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट फैजान इफ्तिखार और दी मवेशी ऑनलाइन एक्सक्लूसिव 2023 सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई बरसों से मवेशी ऑनलाइन आपको बहुत सारी मालूमात दे रहा है मवेशी कैटल फार्म्स के हवाले से, और इस साल भी हम बहुत से कैटल फार्म्स का विज़िट करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कैटल फार्म्स पे विज़िट कर सकते हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना इनको होता है और किस कदर खूबसूरत दीदा जेब जाज़बे नज़र जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सी मंडियों का भी विज़िट करवाया जाता है मवेशी ऑनलाइन में, और बहुत सारे जानवर, तवील कदोकामत जानवर इसमें आप विटनेस कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल मंडी चूँकि शिफ्ट हो चुकी है और बहुत से सिक्योरिटी के मामलात भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर कैटल फार्म्स का विज़िट भी कर रहे हैं और फैमिलीज़ ख़ास तौर पे इन कैटल फार्म्स पे आ सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं और ये सारे तमाम खूबसूरत तवील कदोकामत जानवर ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि इनसे बात भी कर सकते हैं, इनकी कीमतें जान सकते हैं और यहाँ से परचेजिंग भी कर सकते हैं जो कि इंतहाई सेफ़ है। आइए मेरे साथ कुछ जानवरों को देखते हैं कि किस कदर खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और किस कदर नटखट और मनचले जानवर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हमारे साथ विजिट करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि बहुत से कैटल फार्म्स का हम विजिट करेंगे, तो इसी तरह एक बेहतरीन कैटल फार्म सादात कैटल फार्म पे हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सादात कैटल फार्म के रूए रवा इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, बेहतरीन माशाल्लाह जानवर देख रहे हैं, तवील कदोकामत जाज़बे नज़र खूबसूरत जानवर, और जिस तरह से आप उनकी निगहदाश्त कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सादात कैटल फार्म कब से बरूए कार आया, कब से आप ये तमाम सेटअप लेके चल रहे हैं और किस तरह से क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं एक आम फैम इंसान की? जी जी सर, सादात कैटल फार्म हमने जो स्टार्ट लिया वो 2019 में 2019 में आज मेरे ख्याल चौथा साल तकरीबन चल रहा है इसको, और एक शौक है तो शौक के हिसाब से चल रहे हैं इसको, तो कोशिश करते हैं कि कलरफुल और अच्छे खूबसूरत जानवर का कलेक्शन जमा करें और कुर्बानी लवर्स को एक अच्छे खूबसूरत और अच्छे जानवर जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। क्या बात है, आपने बहुत अच्छे और ऐसे तरीके से बताया कि खूबसूरत जानवर रखें कलेक्शन और कुर्बानी लवर्स को एक गिफ्ट कर सकें, क्योंकि ये आम लोग इस तरह का शौक़ नहीं रखते, जो लोग शौक़ रखते हैं वही इसकी कदर कीमत जानते हैं। आपके पास कितनी ब्रीड्स के जानवर मौजूद हैं यहाँ पर? तो ब्रीड में तो हमारे पास काफ़ी ब्रीड्स हैं, इसके अंदर चोलिस्तानी है, मुल्तान की ब्रीड है, ब्राह्मण ब्रीड आती है, इसके अलावा क्रॉस के अंदर ऑस्ट्रेलियन ब्रीड आती है, और इस तरह मुख्तलिफ ब्रीड्स तो काफ़ी सारी आती हैं। ये जो तमाम हैं वो आते रहते हैं हमारे पास ना, ज़्यादातर चोलिस्तानी जानवर है वो खूबसूरत होता है, और ब्राह्मण है वो थोड़ा हैवी जानवर होता है, बड़ा जानवर होता है तो वो हाँ कदोकामत होती है, और उसकी क्या है कि ग्रोथ भी स्पीड से होती है, और मतलब उसकी जो वेट है वो 35 मन 40 मन तक भी चला जाता है। क्या बात है। अच्छा, आपको इन तमाम जानवरों में जो आप अक्सर पालते हैं देखते हैं, जिसमें चोलिस्तानी का आपने जिक्र किया खूबसूरती होती है, ब्राह्मण का दुकामत में होता है, 35-40 मन तक जाता है, आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी? जी हमारी तो फेवरेट ब्रीड जो है वो चोलिस्तानी है, कि खूबसूरत ब्रीड जो असल में कुर्बानी लवर जो आजकल पसंद करता है वो बछड़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, बछड़े भी पसंद करते हैं, बछड़ों के अपने शौकीन हैं, बछड़ियों के अलग शौकीन हैं, तो हमारा ज़्यादा जो है ना बछड़ियों पर ज़्यादा ध्यान होता है, तो बछड़ियों के अंदर असल में गुलाबी जो ब्रीड है वो बहुत चलती है, लोग उसको लाइक करते हैं, खूबसूरती के अंदर अपना मिसाल रखती है, वो चोलिस्तान की ब्रीड है, तो वो एक यूनिक भी चीज़ होती है। इसके अलावा गेनियाँ होती हैं, अब गेनिया बिल्कुल एंटी होती है कि भाई वो हज़ारों के अंदर कुछ 4-5 गेनियाँ निकलती हैं। मैं इसके हवाले से पूछना चाहूँगा कि गेनियों का हमने देखा कि इस साल भी, पिछले साल भी, कुछ सालों से, इन 2-4 सालों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और आपने बताया कि लिमिटेड होती हैं, 2-4 होती हैं, क्या वजह है? लोग पसंद करते हैं, डिमांड आ रही है, क्या वजह? जी बिल्कुल डिमांड आती है और लोग पसंद भी करते हैं, कि लोग जो बड़ी कुर्बानी करने वाले हैं ना, वो अब जैसे 5-7 जानवर लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि बच्चों के हिसाब से गेनी या छोटा जानवर जो ना वो लाजमी लेते, एग्रेसिव भी नहीं होती है बिल्कुल, बच्चे बड़े सब उसको घुमा सकते हैं, और एक खूबसूरती के अंदर उसका अपना एक मिसाल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने नस्लें बताई, चोलिस्तानी बताई, मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रॉस बताई, ब्राह्मण बताई, और भी दीगर साहिवाल नस्ल है इसमें, इनका खाना नस्ल अभी नापेद हो गई है, अब तो वो बहुत कम ही कहीं नज़र आती है, वरना पहले तो साहिवाल नस्ल माशाल्लाह बहुत चलती थी और मतलब उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी। जी 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 अब वो तो वैसे साहिवाल बछड़ी पर तो वैसे ही पाबंदी है पंजाब के अंदर, के वो
बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि अब उसकी नस्ल खत्म होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इसके हवाले से बताइएगा जो वंडा हम इनको खाना देते हैं, क्योंकि ये अक्सर हमारे पास हमारे व्यूअर्स सवाल पूछ रहे होते हैं, हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, वहाँ पर सवाल आते हैं, हमारे पास अपने सवाल बहुत सारे आते हैं चैनल्स पे, तो उनका जो वंडा खाना होता है क्या इन सबका अलग अलग होता है, सर्दियों गर्मियों का अलग होता है या सबको एक ही वंडा आप देते हैं? नहीं, वंडा तो सबका एक ही होता है जानवरों का, लेकिन सर्दी गर्मी के हिसाब से वंडा जो चेंज होता रहता है। सर्दियों के अंदर जो है वो अलग होता है, गर्मियों के अंदर नॉर्मल वंडा जो हम एक देते गंदुम है, चना अट्टी हो गई, चोकर हो गया, कुत्तर वगैरह तूड़ी है, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो डलती जो हेल्थी जो चीज़ें होती है वो डलती है। सर्दियों के अंदर ये होता है कि सर्दियों के अंदर जैसे इंसान है तो हम खुद गर्म गिजाएँ खाना शुरू कर देते हैं, तो उसके अंदर घी वगैरह डलता है, गुड़ है और मुख्तलिफ चीज़ें उनको एनर्जी रहे सर्दी के से बचाने के लिए, उनको गर्माइश भी देती है और फिर उसका रिजल्ट गर्मियों में आता है। जो सर्दियों के अंदर जो खाया होता है उसका रिजल्ट आता है गर्मियों के अंदर, जब वो उसकी चमक दमक निकलती है जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो फिर वो शाइन करती है, वो शाइन करती है। बहुत खूबसूरत प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है, वैक्सीनेशन है सारी, तो वो वैक्सीनेशन चलती रहती है पूरा साल। क्या बात है इमरान भाई, बातें तो बहुत सारी हो गई, अब ये सारे जानवरों को देखने की जो तलब है ना वो बढ़ती जा रही है और हमारे व्यूअर्स देखने चाहते हैं, हमें विजिट कराएं, कौन कौन से जानवर हमारे पास मौजूद हैं, चोलिस्तानी कौन सा है, ब्राह्मण कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन कौन सा है, हम इसको विजिट करें और साथ साथ देखें। आ जाएं आ जाएं। एग्रेसिव तो नहीं होंगे आपके फार्म के हैं तो माशाल्लाह, मैं देख रहा था जिस तरह ये घुमा रहे थे आप लोग, तो एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होंगे। सबसे पहले हम जा सकते हैं बिल्कुल करीब, थोड़ा सा डर रहा है माइक, नए लोग होते हैं ना तो थोड़ा सा क्या कि वो उससे थोड़ा सा जानवर के घबरा, कुछ घबराते हैं कुछ नहीं भी घबराते, तो बछड़े हैं वो थोड़ा सा करते हैं थोड़ा सा मसला भी। अच्छा जी, जानवर थोड़े से घबरा रहे हैं, माइक को देख के घबरा जाते हैं जिस तरह से बताया जा रहा है अभी इमरान भाई हमें बता रहे हैं। इमरान भाई ये कौन सी नस्ल आपने बताई? ये ब्राह्मण नस्ल है और ये हमारी समझ लो कि हमारे अपने फार्म की ब्रीड है, इसकी माँ भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बच्चा माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसके पाँव की कमर, उसका पूरा स्ट्रक्चर आप देख ले। जी 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 जी। तो 3 साल माशाल्लाह इसको हो गए हमारे पास पाले हुए। माशाल्लाह इसका क्या वेट होगा अभी ब्राह्मण का आपने बताया वेट बहुत ऊपर? लाइव वेट तो होगा कम से कम 20 मन। माशाल्लाह। और अभी इसमें गुंजाइश है? जी बहुत गुंजाइश है इसका, अभी भी 1 साल इसको और रख सकते हैं। अच्छा, अभी ये कितने दांत का है? अभी ये 6 दांत हुआ है। 6 दांत का 1 साल और रख सकते हैं तो उसमें और गुंजाइश है, तो ये डबल की तरफ भी चले जाएगा और वेट गेन करेगा। हाँ, 5-7 मन 8 मन मजीद जो है गेन कर सकते हैं। सर कौन सी ब्रीड है, क्या है, क्या नाम क्या है इसका? क्रॉस में है बच्चा और इसका नाम रखा है सुल्तान। सुल्तान, सुल्तान को देख सकते हैं हम माशाल्लाह, हाइट देखें सुल्तान की, वेट देखें। सर ब्रीड कौन सी है? सर ये क्रॉस ब्रीड है, ये चोलिस्तानी और बास जो है ना ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस के साथ ये ब्रीड होती है। सही है। तो क्रॉस ब्रीड में कहलाते हैं ये। सर बड़े नाजों से पाला हुआ लग रहा है, कोई खास चीज़ इनकी बताएं कि माशाल्लाह जिस तरह नखरों से देख रहे हैं हमें? नहीं बच्चा माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका वजूद, इसके हाइट और माशाल्लाह से इसका भी वेट जो है तकरीबन अगर लाइव वेट भी करने जाएंगे तो 20 मंथ से ऊपर ही निकलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये भी एग्रेसिव नहीं होते माशाल्लाह जी, इनसे बात कर सकते हैं हम? सुल्तान, कराची के सुल्तान, हमसे कुछ बात करेंगे आप? कराची का सुल्तान आवाज़ें निकाल रहा है और माइक में शायद आई हूँ या नहीं आई हूँ, लेकिन माशाल्लाह एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, प्यार से खड़े हैं और बहुत प्यार से इन्होंने पाला है और वेट बता रहे हैं कि तकरीबन 20 मंथ ऊपर है, लाइव वेट की बात कर रहे हैं, लाइव वेट की बात कर रहे हैं। और इसमें सर कोई बीमारियों का जिक्र आ जाता है, लास्ट टाइम बड़ी लिम्पी का दौर दौड़ा, अभी आपके फार्म पे किस तरह से चीज़ें आई हैं, बात भी करते हैं और जानवर भी देखते हैं। पहला सवाल जो मुझसे किया गया है परेशानियाँ मुश्किल जो हैं आती रहती हैं, तो उसके हवाले से कि पिछला साल जो गुजरा है उसके अंदर ये लम्पी की बीमारी ने अटैक किया, वो लम्पी की बीमारी जो है कराची में ज़्यादा बहुत इफेक्टेड हुई थी, उसके बाद वो पंजाब गई थी, वो तकरीबन नवंबर दिसंबर में आई और मार्च या अप्रैल तक रही थी वो, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसने बड़ा धचका पहुँचाया और आपके जानवरों को हिट हुआ? जी जी बिल्कुल हुआ था और मुतासर हुए थे, कुछ सही भी हो गए उसके अंदर, किसी को कम आया किसी को ज़्यादा आया। किस तरह से क्योर किया? कॉलोनी के अंदर जो है तमाम जानवरों को अंदर आया था वो, कराची के अंदर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छतों पर जानवर पाले थे उनको भी जो है ना वो सर्फ, क्योंकि वो वायरस जो था या कुछ था वो था हवा के अंदर तो वो फैलता चला गया। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये फार्म पे होता तो फार्म के कॉलोनी में फैलता, लेकिन अब वो एक शेर के अंदर छत पे पाल रहा है, तो नाजोआबाद में पलते हैं अक्सर, नाजोआबाद में, न्यू कराची में और बहुत से इलाकों के अंदर लोग पालते हैं,
तो वो भी आया था, लेकिन उसमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ कि बीमारी से लड़ने का, काफ़ी मुश्किलात भी आई, लेकिन इसके इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इसको काफ़ी बेहतर ही रहा कि थोड़ा बहुत इफेक्टेड तो हुए, लेकिन एक अल्लाह ने निकाल दिया। और इस साल तो बिल्कुल ही वैक्सीनेशन भी हो गई थी, सारी अच्छी हो गई, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा तो कराची के अंदर तो कहीं कोई ऐसा केस मिस हुआ। शुक्र है, बहुत शुक्र है कि जी इस दफ़ा कोई इस तरह के मामला नहीं है और बहुत ज़्यादा वैक्सीनेटेड जानवर है। जानवर एक बड़ा मनचला और नटखट जानवर देखने का हमें बड़ा शौक होता है। इमरान भाई से कहेंगे आप ज़रा साथ ही रहें हमारे, क्योंकि आपके आपसे जो जितने मानूस हैं, अच्छा जानवर बड़े नटखट से हैं, यहाँ पर उछल कूद बहुत शौक से कर रहे हैं और हमारे आते ही तो हमें वेलकम करने के लिए आसपास घूम रहे हैं। ये देखें, ये इसने वेलकम किया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे डर ज़रूर लगा था, लेकिन क्या करें, अभी कैमरे में थोड़ा संभाल लेते हैं हम। जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं, आप देखें टेक्स्चर देखें बॉडी का, सर क्या ब्रीड है, खूबसूरत लग रहा है। पाकिस्तान की ब्रीड है और ये आपका फेवरेट? हाँ, ये भी ये जो बच्चा है ये भी हमारी, समझ लो कि हमारी अपनी ब्रीड है। माशाल्लाह ये हमारे पास ही पैदा हुआ है और इसको भी तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह चोलिस्तान की बेहतरीन ब्रीड है। किन किन जराए से आप तक पहुंच जाता है वो? आपका नंबर भी लिखा है, इसके अलावा क्या यहाँ पर विजिट कर सकते हैं? इसके अलावा जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल बहुत चल रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर जो है हमारी वीडियोस वगैरह चलती रहती हैं, कुछ साइडें हैं और हमारा ज़्यादातर जो है वो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर केटल क्रेज है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारी जो है वीडियोज और बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उससे भी काफ़ी हमें लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है। अब 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो कस्टमर जो है हमने जिन्होंने पहले साल दूसरे साल में हमसे जानवर परचेज किए हैं वो इस साल भी हमसे ले जा चुके हैं और 100+ जानवर हम इस वक्त तक सेल कर चुके हैं। माशाल्लाह, तो मुनासिब कीमत पे जानवर जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, क्योंकि हम एक जगह पे खड़े नहीं हो रहे और इमरान भाई को हमने अपने साथ लिया हुआ है, क्या इमरान भाई हमें विजिट कराएं। अच्छा, यूनिक चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब ये आ जाएं जी, बचपन में जब ट्रक से उतरता था ना ये, हम इसको चांद बैल कहते थे, अभी पूछते हैं इनको क्या कहते हैं, हम तो कहते थे चांद बैल। और ये चांद बैल जिस तरह से मुझे देख रहा है, मुझे लग रहा है चांद पर पहुँचा देगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैं दूर रहूँ और चांद बैल के थोड़ा करीब आने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हैं हम खतरों के खिलाड़ी। आयतल कुर्सी दिल में जितनी मैं पढ़ सकता था मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, लेकिन एंजॉयमेंट यह है कि चांद बैल करीब से इतना देखने का इत्तफाक बचपन में तो बहुत रहा। आज जो है रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे साथ मौजूद हैं जी चांद बैल, इनके साथ भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के बिल्कुल मूड में नहीं है ये, और कोई इंटरव्यू भी नहीं देंगे और नाराज़ हैं शायद, खाना अभी इन्होंने पूरी तरह नहीं खाया, तो अभी डिनर सर्व हो जाएगा इनको, तो उसके बाद ये जो है हमारी इनसे दोस्ती हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे दोस्ती करने की और बात करेंगे इमरान भाई से। इमरान भाई थोड़ा सा करीब आएंगे हमारे, क्योंकि आप ही हमारे और इनके दरमियान सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का भाई से है। बिल्कुल मारता नहीं है, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है इसके हैं सींग। सर इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, वैसे तो लोग इसको चांद बैल कहते हैं, लेकिन ये जो है बेसिकली जो ब्रीड है ये थर की है, हमारे जो सिंध के अंदर थर पारकर और उसके अतराफ़ का जो एरिया है जो लगता है उसकी ये ब्रीड है, और ये जो ब्राह्मण ब्रीड है ना वो भी इनको और 2-3 मिला के बनाई गई है। आप उसको ब्राह्मण ब्रीड देखेंगे, उसका चेहरा, उसके कान और बाकी चीज़ें, तो वो ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत है कि बांग्लादेश की एक ब्रीड है और पाकिस्तान की, इन दोनों तीनों को मिलाकर ये ब्राह्मण ब्रीड बनाई गई। ये थरी कहलाता है, अपना कंकरी जिसके अंदर ब्रीड आती है और एक कच्ची नस्ल आती है। सही 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 सही। इसका फेस छोटा होता है और वजूद माशाल्लाह, और उसके सींग जो है हमारे, और दूसरा इसका ये है कि ये जैसे अभी आपको नजर आ रहा है कलर इसका ना जी, तो अभी जैसे सर्दियों में होता है तो ये बिल्कुल काला भी हो जाता है और गर्मियों पड़ती है तो ये वाइट भी हो जाता है, कलर ये चेंज करता रहता है। चलें, बहुत खूबसूरत बात की। जानवर की कलेक्शन खूबसूरत, तवील कदोकामत, फरबा जानवर बहुत सारे मौजूद हैं सादात कैटल फार्म पे, और इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाएं कि हाइट एक तरफ, वज़न एक तरफ, और फिर कलर टेक्सचर एक तरफ, फिर ब्रीड अलग। बहरहाल जी, एक लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर इमरान भाई को ज्वाइन करेंगे हम, और दूसरे डिफरेंट जानवर जो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि उनकी क्या खासियत है और किस तरह प्यार से उनको पाला जा रहा है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद मवेशी ऑनलाइन में।
वेलकम बैक नाजरीन, मवेशी ऑनलाइन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, खूबसूरत जानवर, तवील कद कामत और जाज़बे नज़र और प्रिंट आप देखें, मैं कहता हूँ कमाल है। सादात कैटल फार्म पे हम मौजूद हैं। जानवरों की वैरायटी, खूबसूरती कुर्बानी लवर्स के लिए दीदा जेब है और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, फैमिलीज़ के साथ आएँ ताकि आप इस तरह के तमाम जानवरों को विटनेस भी कर सकें। अच्छा, हमारे साथ चूँकि मैंने आपको बताया था कि सादात कैटल फार्म के रूए रवा भी मौजूद हैं, इमरान साहब, उनसे हम बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, जानवरों के बारे में मालूमात भी ले रहे हैं और ये बड़ा लाडो पला जानवर है इमरान भाई का, और ख़ुसूसी तौर पे हम इसको यहाँ पर लेके आए हैं। इमरान भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, ये रस्सी आप यहाँ से पकड़ेंगे तो मैं बीच में ज़रा खड़ा हो जाऊँगा, आ जाएँ इधर। इमरान भाई, इसका प्रिंट माशाल्लाह खूबसूरत, कौन सी ब्रीड, क्या चीज़, हाइट माशाल्लाह तमाम। ये गुलाबी के अंदर जो है बहुत आला नस्ल की ब्रीड है और ये हमने आज से कोई 3 साल पहले लिए थे, जिसके अंदर इनकी 5 बछड़ियाँ और 1 बछड़ा था। बछड़ियाँ तो हमने सेल कर दी, हमने रख लिया था, तो ये बछड़ा वही है माशाल्लाह। 6 महीने का था जब हमने लिया था ये, और जब वो था इतने का दिखा, और आज माशाल्लाह ये बहुत हाइट के ऊपर, और माशाल्लाह एक पंजाब के अंदर से चोलिस्तान का जो इलाका है वहाँ से ये हमने परचेज किया थे। चोलिस्तान, ये गुलाबी के अंदर जो एक नस्ल होती है उसके अंदर हाई क्वालिटी की जो नस्ल है उसका बच्चा है माशाल्लाह। बड़ा नटखट लग रहा है, इससे कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, वो हमारी माइक से ज़्यादा तार में इंटरेस्टेड है और वो कह रहा है कि जी मैं तार से बात करूँगा। अच्छा, हाइट आप देख लें, चोलिस्तानी नस्ल का बछड़ा है और 5 गायें, इसके आप कह रही बछड़ियाँ थी और ये एक बच्चा इन्होंने रखा। बहुत खूबसूरत जानवर, इसका प्रिंट अगर हम दिखा सकें इधर आके, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत और बिल्कुल स्ट्रेट देख मगर प्यार से वाला बछड़ा जो होता है, लेकिन बछड़ा कह रहा है कि देख मगर प्यार से और बच मेरी लात से, तो ये बहुत ज़रूरी है हमें भी ख्याल रखना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जानवर नहीं है और ख़ूबसूरत जानवर है, तो आप इनको घुमा भी सकते हैं, फिरा भी सकते हैं। अच्छा जी, बछड़ियों की बात हो रही है और आप दिखाते हैं सादात कैटल फार्म की स्पेशलिटी और ऐसी एक्सक्लूसिव आपको चीज़ कि आपका हो जाएगा दिल गार्डन गार्डन। और हमारे साथ चूँकि इमरान भाई मौजूद हैं और हम उनसे बार बार ये चीज़ें पूछ रहे हैं कि जी एक्सक्लूसिव चीज़ क्या थी और उन्होंने हमारे सामने ला खड़ी की, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बेहतरीन खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह। इमरान भाई, क्या ब्रीड है, कौन सी नस्ल है? बस ये एंगस नस्ल है, बैर की ब्रीड है और बहुत कम जो है पाई जाती है ना, तो माशाल्लाह इसको काफ़ी नाजों से और वाला है, इसको दूध मक्खन, और सर्दियों के अंदर लोग बताते नहीं है या लोग समझते शायद मजाक कर रहे, तो हमने इनको काजू का जो है ना चूरा होता है वो भी खिलाया हुआ है। और आप माशाल्लाह देख सकते हैं इसकी हाइट, इसकी कमर, और ये मतलब बहुत वजन में भी तकरीबन ये समझे कि 30 मन के करीब होगा लाइव वेट इसका भी। माशाल्लाह, और अभी ये 6 दांत हुई है, 4 दांत थी लेकिन अभी 6 दांत हुई है ये माशाल्लाह। इमरान भाई, लोग कहते तो हैं कि दूध काजू खिलाया हमने, लेकिन क्या वाकई खिलाया जाता है जो ऐसा वज़न, इस तरह का वजूद, इस तरह की खूबसूरती? आई विश के मैं अपने व्यूअर्स को बता सकता कि बिल्कुल सिल्क जैसा फील हो रहा है इसको टच करने पे, और जो उसकी खूबसूरती है, लाइट जो उसमें आ रहा है, शिमर जिस तरह से आता है, हल्का सा लाइट जो आती है वो जिस तरह से पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता सर वाकई खिलाया जाता है या सिर्फ कहने की बात है। बिल्कुल, मैं तो जो भी अगर हमारे शौकीन है, कुर्बानी लवर है, हमारा गेट जो है सारा साल खुला होता है, हम तो बोलते हैं आप आएँ देखें, और देसी वंडा हम देते हैं, बाकी कोई जो है चीज़ें नहीं देते हैं कि यार कोई वेट गेन करने के लिए लोग कहते हैं कि कोई कुछ चीज़ें, तो वो हम बिल्कुल नहीं देते। देसी चीज़ें जो खुराक दी जाती है कि भाई जो एक ज़रूरी है, तो वो हम पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ दें। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बच्ची, इसका फ्रेम, इसका हर चीज़ आप। नहीं माशाल्लाह, मैं तो दूर खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा इससे माशाल्लाह, जिस तरह की ये चीज़, इस तरह का वजूद इसका और इस तरह की खूबसूरती, फरबा। 5 से 7 किलो दूध इसको दिया जाता है अभी भी। बिल्कुल माशाल्लाह जी, बेहतरीन खूबसूरत जानवर। और भी हमारे पास इस तरह की ब्रीड्स मौजूद हैं आपके पास, वो हम साथ साथ आपको दिखाएंगे भी। और कलर इसका जो है, ये कलर क्या ब्राउन कहलाता है या ये डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन? डार्क ब्राउन कहलाता है, डार्क चॉकलेट ब्राउन कहलाता है शाइन के साथ, और ये बायर की एंगस नस्ल है। ये एंगस नस्ल है, इसके अलावा भी हमारे पास ब्रीड्स हैं। ये माशाल्लाह एक और ब्लैक, चैट ब्लैक हमारे पास खूबसूरत चीज़ आ गई। ये कौन सी नस्ल है सर? ये
क्रॉस में नस्ल है। ये क्रॉस के अंदर इसका जो अपना जो मेल है, इसका जो बाप है वो ब्राह्मण है, और उसकी जो माँ है वो मुख्तलिफ ब्रीड है, उसका मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ से, लेकिन एक इसका पता है मुझे। तो हाइट माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी बछड़ी की, और ये बछड़ी भी हमने मतलब 6 महीने की थी तो आप जब ली थी, और उसके बाद इसको पाला है, आज 3 साल तकरीबन हो गए इसको, 3 से 3.5 साल इसको। क्या बात है जी, ऑल ब्लैक जानवर माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर। और आज रुक जाओ, रुको जरा, ब्लैक, ऑल ब्लैक, जेट ब्लैक, जिस तरह से मैंने की है ड्रेस, ड्रेसिंग आज जेट ब्लैक मेरे साथ मैचिंग की हो गई है, ड्रेस ब्लैक, क्योंकि कुछ उनको भी पसंद है काला जोड़ा, और कुछ कमबख्त हम पे जचता भी बहुत है, तो इसलिए जो है खूबसूरत जानवर ब्राह्मण। खास चीज़ बता रहे हैं इमरान भाई इसकी, खास बात इसकी ये है कि आपने देखा होगा पूरी बछड़ी ब्लैक है, और सर के ऊपर एक माथे पे बिंदिया वाइट लगी हुई है, तो ये भी खूबसूरती की अलामत है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये कुर्बानी लवर खास कर जो है वो बहुत नोट करते हैं। बहुत खूबसूरत बात की कि पूरी जेट ब्लैक है, हमारे मुनव्वर भाई आपको अगर दिखा सकें इसमें, पूरी जेट ब्लैक है, एक स्पॉट भी वाइट नहीं है, बट वो जो एक बिंदिया, जो दिल, जो यहाँ पर आवेजा है, कुदरत की तरफ से अल्लाह की शान है। और माशाल्लाह खूबसूरत जानवर सादात कैटल फार्म पर मौजूद है, और आप आके इसको विटनेस भी कर सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ आइए। और एग्रेसिव जानवर नहीं है, थोड़े से कैमरे को देख के हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अटकेलियाँ तो बनती हैं, लेकिन आप ज़रूर आइए और इसको विज़िट कीजिए, ताकि आपको मुख्तलिफ जानवर और मुख्तलिफ ब्रीड्स भी दिखा सकें। अच्छा, सादात कैटल फार्म पे मैंने आपको बहुत सी इकसाम, बहुत सी ब्रीड दिखाई, कुछ जानवर फरबा हैं, कुछ जानवर हाइटेड हैं, कुछ जानवर प्रिंट में बहुत खूबसूरत हैं। इसी तरह एक ब्रीड जो यहाँ पर मौजूद है, अभी पूछेंगे इमरान भाई से वो क्या ब्रीड है, वो है लंबाई में ज़्यादा, वो आप देखेंगे कि लंबी लंबी लंबी, माशाल्लाह जब वो मेरे पास आ रही थी चल के, तो मैंने देखा कि किस तरह से लंबी है। सर कौन सी ब्रीड है माशाल्लाह? ये गुलाबी ब्रीड है, हल्की मेल के अंदर कहलाती है, और गुलाबी के अंदर ये आए जरा करीब होके देखें ना, जो है ना गुलाबी ब्रीड कहलाती है, क्योंकि इसकी जो नाक है आप देख रहे होंगे गुलाबी है, बिल्कुल गुलाबी है, गुलाबी ब्रीड की निशानी यही होती है कि उसकी जो नाक है वो गुलाबी होती है। ठीक है, अच्छा ये यूं लंबाई में है, हाइट में नहीं है, ये कोई अलग नस्ल होती है? ये मेल के अंदर नस्ल आती है कि वो लंबाई के अंदर लंबाई भी करती है, फिर जब उसको दो तीन साल और पालते हैं तो फिर उसकी चौबीस बनना शुरू होती हैं, तो और माशाल्लाह ये वजूद में आ जाती है, और फिर लंबाई के अंदर होती है, बहुत कम बछड़ियाँ जो हैं वो लंबाई में निकलती हैं। अच्छा ये गुलाबी रखने के लिए मैं पूछना चाहूँगा, गुलाबी खूबसूरती जो इनके शाइन आ रही है, बालों में शाइन आ रही है, इसके लिए कोई खास खुराक है या ये कुदरती अल्लाह की तरफ से ये इस तरह की गुलाबी नस्ल है? नहीं, खास खुराक तो नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे सर्दियों के अंदर हम घी वगैरह देते हैं, अपना गुड़ वगैरह देते हैं, जैसे सर्दियों के अंदर जो इनको सरसों का ऑयल दिया जाता है दही के साथ, और गर्मी होती है तो ठंडा भी रहता है, ऑयल जब जाता है फिर वो शाइन भी निकलती है, तो ये होता है, बाकी तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको दी गई है कि भाई उसकी शाइन निकल आए, कुदरत का कुदरत की। चले माशाल्लाह जी, जानवरों की वैरायटी, जानवरों की इकसाम, जानवरों की ब्रीड्स यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बड़े डिफरेंट प्रिंट के भी हैं, लेकिन एक स्पेशल जिसे कहते हैं ना स्पेशल अपीयरेंस, तो आप हमारे पास दे रहे हैं जी एक स्पेशल अपीयरेंस, और जानवर है जी ये, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इमरान भाई नीचे बैठना पड़ेगा मुझे लग रहा है, और ये माशाल्लाह स्पेशल ब्रीड है, आ जाओ जी आ जाओ, आगे आ जाओ यार, इससे मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है, गेनी नस्ल है भाई ये, गेनी नस्ल है, और मैं बैठ जाता हूँ साथ में। मेरे अंदाज़ 27-28 इंच होगी इसकी हाइट, और गेनी के अंदर जैसे हमारे पास जो सबसे ये छोटी जो गेनी है, इससे पहले भी पिछले साल हमारे पास गेनी थी, वो इससे भी छोटी थी, वो भी हमने सेल की है पिछले साल। सर एक सवाल पूछूं, ये क्या कुर्बानी के लिए है, कुर्बानी के काबिल है? ये बिल्कुल है, 4 दांत हुई हुई है ये, 4 दांत हुई हुई है ये, और दोबारा से हाइट बताइएगा इसकी। इसकी हाइट एक अंदाजे के मुताबिक मैं तकरीबन 27-28 इंच होगी। 27-28 इंच हम बैठ गए हैं, बैठ के भी हमारा जो फेस है और हमारी बॉडी शोल्डर से ऊपर आ रहे हैं, ये है जी प्योर गेनी नस्ल, और 4 दांत की हो चुकी है, कुर्बानी के बिल्कुल काबिल है, और अल्लाह की शान है, खूबसूरती आप देख सकते हैं, बच्चे इसको लेके घूम सकते हैं, मैं तो बड़ा सिक्योर फील कर रहा हूँ उसके साथ। अच्छा जी, हम मौजूद रहे सादत कैटल फार्म पे, बेहतरीन आला इकसाम के
طویل قد و قامت فربہ خوبصورت جاذب نظر جانور ہم وٹنس کرتے رہے اور عمران بھائی نے بہت احسن طریقے سے ہمیں نہ صرف تمام جانوروں کا انٹروڈکشن بھی دیا بلکہ ان کی خوراک اور آنے والے چیلنجز جو اکثر وہ فیس کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمیں بہت سی معلومات دی جس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں عمران بھائی ہماری دعائیں کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں آگے بڑھتے رہیں کوئی یہاں پر وزٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں نے بتایا منڈی چونکہ اب دور ہو چکی ہے لوگ سیف پلیسز ڈھونڈ رہے ہیں آنے کے لیے تو اگر کوئی آنا چاہتا ہے آپ کے پاس وزٹ کرنا چاہتا ہے کہاں پر موجود ہیں تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دیجیے اور کیا ٹائمنگز ہیں فیملیز کب آ سکتی ہیں اور انجوائے کر سکتی ہیں اور خاص طور پہ گینی جو یہاں پر موجود ہے اس سے کہاں ملنے آیا جا سکتا ہے یہ سر سپر ہائی وے پہ موجود ہے جمیل لیمن سوسائٹی اور بہت مشہور ہے جمیل لیمن سوسائٹی اور تمام لوگ جانتے ہیں اور یہ آج سے کوئی 40-50 سال سے سوسائٹی ہے تو اب مطلب کچھ سالوں سے جو ہے نا جمیل لیمن سوسائٹی کے اندر کافی رجحان بڑھ گیا ہے تو جو کراچی کا جو سب سے خوبصورت اور بہترین جانور جو پلتا ہے وہ جمیل لیمن سوسائٹی میں پلتا ہے اور بھی سوسائٹی میں پلتا ہے لیکن جمیل لیمن سوسائٹی ایک مین مرکز ہے اس وقت تو لوگ آتے ہیں فیملیز بھی آتی ہیں ابھی اس وقت بھی فیملیز ہمارے پاس جو رات کو 2-2-3-3 بجے بھی آتی ہیں صبح 7 بجے تک 7:30 بجے تک یہیں ہوتی ہیں پھر اجالا ہوتا ہے تو یہاں سے جاتے ہیں ٹائمنگ کیا سر وہی جانا چاہیے سر ٹائمنگ 4 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جائیں اچھا جی سعادت کیٹل فارم پہ ہم نے آج ٹائم اسپینڈ کیا اور ایک بہترین ایپیسوڈ کو آپ نے وٹنس کیا ہم ملیں گے آپ مویشی آن لائن میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ایک نئے کیٹل فارم میں اور آپ کو دکھائیں گے نت نئی بریڈس اور اس کے حوالے سے دیں گے معلومات ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پاکستان زندہ باد